राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुख करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पहाड़ों व मैदानी इलाकों में हो रही भारी बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया। उत्तराखंड हरिद्वार बांध से रोजाना लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से घरों में पानी घुस गया। कुछ गांव में ग्रामीण घरों की छतों पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे हैं, तो अभी भी जंगली ढेरों में कई ग्रामीण पानी में फंसे हैं, जिन्हें SDRF और PSC की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। बिजनौर जनपद की अगर बात करें तो गंगा किनारे 80-90 किलोमीटर का दायरा आता है। गंगा किनारे कुछ 101 गांव आते हैं, जिसमें 53 गैर आबादी व 48 आबादी वाले गांव आते हैं, लेकिन गांव के बढ़ते जलस्तर में फिलहाल दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उत्तराखंड हरिद्वार बांध से कल से अब तक 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से बिजनौर का गंगा बैराज पुल अपने खतरे से 40 सेंटीमीटर ऊपर पानी चल रहा है। बैराज पर इस वक्त 4,50,000 के करीब क्यूसेक पानी चल रहा है। प्रशासन ने बैराज के सभी दरवाजे खोल दिए हैं। गंगा किनारे बसे राम सहाय वाला व नागल सोती कुदनपुर में हालत ज्यादा खराब हो चले हैं, और चांदपुर के पुलिस चौकी में भी पानी आ गया है। गांव की सड़कों पर 2-2 फीट पानी चल रहा है। घरों व गांव में चारों तरफ पानी आने से खौफ के मारे ग्रामीण घरों की छतों पर सहारा लेते नजर आ रहे हैं। इधर बिजनौर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में SDRF और जल सेना PSC लगी हुई है, जो अब तक जंगल के टापू में फंसे 56 मजदूरों को सुरक्षित निकाल चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ गांव के जंगल के डेरों में ग्रामीण फंसे हुए, जिन्हें निकालने के लिए जल सेना को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा में ज्यादा पानी होने की वजह से लहर रेस्क्यू में रुकावट पैदा कर रही है। आइए देखें बिजनौर से उस्मान मंसूरी की खास रिपोर्ट। बड़ा मोटरसाइकिल है, कहाँ है? तकड़े जखोले पीछे बदर पड़ी है मैंने यार हाथ लगा लिया मैंने। PP News 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।